गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एनीवे, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है फंडामेंटल राइट्स में? फंडामेंटल राइट्स में हमने स्टेट और लॉ से शुरुआत की थी, मतलब कि फंडामेंटल राइट के फर्स्ट पेज से, एकदम प्राइमरी लेवल से शुरुआत की थी। और आज स्टोरी ये है कि हमने कहाँ तक कर लिया। हमने आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल 30, इसके पिछले वाले लेक्चर में, दैट इज कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ तक कर लिया और सब कुछ बहुत डीपली किया, अच्छे से किया। नाउ आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन हो कि अब आर्टिकल नंबर 31 शुरू करेंगे। नहीं, आर्टिकल नंबर 31 और राइट से प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ी डीपली, बड़े अच्छे से सारे कनेक्शन करके, अलग अलग जगह से उठा के बढ़िया मटेरियल बना के डाला हुआ है आपके कॉरिडोर के लेक्चर्स में। पॉलिटी में भी वो डाली हुई है वीडियो प्लेलिस्ट में, जो लक्ष्मीकांत की मैं करा रहा हूँ। लक्ष्मीकांत कहाँ है, लक्ष्मीकांत से बहुत आगे की चीज़ें। और साथ ही साथ आपके जो ये प्रीलिम्स का डिस्कशन चल रहा है, उसमें भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज आर्टिकल 31 हो गया। फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि तब उसके बाद आर्टिकल नंबर 32, नहीं, रेट इंजंक्शन जो भी है, लक्ष्मीकांत से बहुत आगे की चीजें, सारा उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, काफी अप्रिसिएशन आया है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में डाल दिया और लक्ष्मीकांत वाले भी प्लेलिस्ट में डाल दिया। दैट मीन्स कि अभी हम लोग कौन से आर्टिकल की शुरुआत करेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आर्टिकल नंबर 33 की शुरुआत करेंगे। आर्टिकल नंबर 33 में क्या है कि पार्ट 3 में जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, देखिए ये नॉर्मल एक सिटीजन के लिए हैं, लेकिन जो इंसान पुलिस में है, जो इंसान आर्म्ड फोर्सेज में है, जो इंसान नेवी में है, एयरफोर्स में है, आप खुद सोचिए, अगर वो सारे फंडामेंटल राइट एक्सप्रेशन, एसोसिएशन सारा अगर वो यूज करने लगे, तो आपको पता है आर्मी फोर्स, आर्म्ड फोर्सेज, ये सारी चीजें डिसिप्लिन पे चलती हैं। अगर वो उसको रूल रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो ना करके अपनी मर्जी से एकदम एक्सप्रेशन करने लगे, वहां पे एसोसिएशन बनाने लगे, चार लोग जमा हो जाए, तो देश की सेफ्टी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। अगर वो सेंसिटिव बातें बोले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज मुझे ISI के बारे में ये खबर मिली है, चलो मीडिया से बात करते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं हमें फंडामेंटल राइट रोकने पड़ते हैं। और एक ये कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा आपने जो है लिबरल थॉट्स ना लगाए और बोले कि नहीं ये तो बड़ा गलत है वगैरह, ना, गलत नहीं है, करना पड़ता है, हर कंट्री करती है, और वो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। देखिए राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। एनीवे, सबसे पहले मैं बेयर एक्ट से आर्टिकल नंबर 33 पढ़ूंगा और थोड़ा भी जो उसका एक्सप्लेनेशन है लक्ष्मीकांत वगैरह मैं आपको बता दूंगा, इसमें कुछ खास नहीं है। मेन आपको जो फैक्ट जानना है यहां पे, समरी ये बता दे रहा हूं कि फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल राइट जो आपके पार्ट 3 में है, अगर किसी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए अगर उस पर कोई लिमिटेशन लगानी है, तो वो लिमिटेशन पार्लियामेंट लगाता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर लगाता है। और इसी से रिलेटेड एक मैंने आपसे MCQ भी पूछा था टेस्ट 1 में, तो उसको भी बाद में डिस्कस कर दूंगा, 20 सेकंड में हो जाएगा। यहां ये जान लीजिए कि उससे रिलेटेड कोई लॉ बना के अगर उसको राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है पार्ट 3 के किसी इंसान के लिए, किसी सेक्शन के लिए, आर्मी के लिए वगैरह के लिए, तो उसमें जो लॉ बनता है वो पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाता, कोई प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से नहीं होता, पार्लियामेंट को लॉ बनानी पड़ती है। सो कमिंग टू द पॉइंट, आर्टिकल नंबर 33, व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स। दैट मींस कि आपके जो फ्रीडम, एसोसिएशन, जितने भी सारे प्रोफेशन के राइट्स मिले हुए, उसके मॉडिफिकेशन करने के लिए राइट्स है पार्लियामेंट के पास, ठीक, और उसका एप्लीकेशन मॉडिफाई भी कर देगा उनके हिसाब से, और उसका एप्लीकेशन कितना होगा, नहीं होगा, किस एक्सटेंट में होगा, वो भी पार्लियामेंट के पास है, लेकिन जो चाहे तब, लेकिन कब, कानून बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, लॉ बनाना पड़ेगा, तब आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्न्ड इन दिस पार्ट, ऐसा नहीं कि सारा एकदम खत्म कर देंगे, कितना देना है कितना नहीं देना है इसके लिए कानून बनाएंगे, कौन सा फ्रीडम कितना देना है, दूसरा फ्रीडम कितना देना है, ये सारी चीजों के लिए कानून बनाएंगे, और उसका एप्लीकेशन किस कॉन्टेक्स्ट में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वो पॉइंट्स देखिए। मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, आपके जो एयरफोर्स, आर्मी, ये सारी कवर हो गई। साथ ही साथ इसमें आपकी जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, वो भी सारे कुछ अर्धसैनिक भी कवर हो जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द फोर्सेज चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह कवर हो गया। पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश बाई द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि आपकी जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ है, यहाँ के लोगों के भी राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस के, आपके देखिए नारकोटिक्स वाला जो होता है, नेशनल, एक तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो समथिंग करके, ऐसे बहुत सारे हैं यार, सर्ट इन वगैरह भी इसमें काम करते हैं, उसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एक चीज़ नहीं है, कितना बताऊंगा। पर्सन से एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद टेली कम्युनिकेशन आ गया, टेली कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी ऐसा सिस्टम जो फोर्सेज के लिए काम करे, देखिए फॉर एनी फोर्सेज ब्यूरो और ऑर्गेनाइजेशन जो कि A से लेके C में रेफर्ड है, ABC फोर्सेज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए,
और उनका टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम पे काम करने वाले लोग हैं, सारे के सारे या तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो या एब्रोगेट ही कर सकते हो, या तो उनको फंडामेंटल राइट कुछ कम कर दीजिए या फिर एकदम खत्म कर दीजिए जरूरत के हिसाब से, टू इंश्योर किस लिए प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। करते हैं ना अमेरिका में क्या किया कि एकदम जब LSD का आविष्कार हुआ था, लाइसर्जिक एसिड एल्थमाइड, ये जो है नशा होता है, रिक्रिएशनल ड्रग है, तो ये LSD बना 1960s के अराउंड अमेरिका में, इसका बहुत यूज होने लगा, हिप्पी मूवमेंट आ गया। तो अमेरिका ने भी क्या किया, एक बार एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को क्या किया कि अपने फोर्सेज वगैरह को LSD खिला के देखा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलो लिबरल लोगों की बात मानते, क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो फोर्सेज ऐसे खड़े थे बड़े, कोई गुस्से में थे कि भाई हम तो अटैक कर देंगे अगर कोई एनिमी आएगा। वो क्या हुआ, LSD देने के बाद वो पेड़ पे जाके चढ़ गए और बंदर की तरह वहां पे नाचने लगे, गाने लगे। भाई तो उनको बोला अमेरिका ने कि भाई अब हम जो है इसको पूरे UN की तरफ से बैन करवाएंगे। उसकी बात मान के राजीव गांधी ने भी इंडिया में जो है नारकोटिक्स वाला लॉ लाया और अपना गांजा भी बैन कर दिया। बट एनीवे, गांजा ऑब्वियसली खराब चीज़ है, बैन होना भी चाहिए, कितनी बकवास करते हैं उसके बाद लोग। खैर, तो ये हो गए आपके कि मतलब प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। आपस में भी तो होती है ना फ्रेटर्निटी, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है यार। कई बार आप देखते हो कि आर्मी वगैरह के लोग एक दूसरे को गोली मार डालते क्योंकि इतना स्ट्रेस का जॉब होता है। तो अच्छे से डिस्चार्ज उनकी ड्यूटी का और डिसिप्लिन मेंटेन रहे उनमें, ऑर्डर फॉलो करें ऊपर के ऑफिसर की, नहीं तो हमला ही नहीं करेंगे दुश्मन पे, देश ही डूब जाएगा। इन्हीं सब के लिए ABC में जो फोर्सेज हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन या एब्रोगेशन लगाया जाता है और उनसे रिलेटेड जो टेली कम्युनिकेशन है उन पे भी लगाया जाता है। यही लिखा हुआ आर्टिकल 33 में। और कानून बनाता है कौन, पार्लियामेंट बनाता है, लॉ से कर सकता है रिस्ट्रिक्ट, लॉ के बिना नहीं कर सकता है। अब ये इसका आर्टिकल का काम हो गया, अब इस पे थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो लक्ष्मीकांत का ये कहना है कि वही पार्लियामेंट के पास राइट है, चाहे तो एब्रोगेट कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के। इसमें देखिए आपके आर्म्ड फोर्सेज आ जाते हैं, ये कौन सा कलर आ गया, इसमें आपके आर्म फोर्सेज आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज आ जाते हैं, पैरामिलिट्री, प्रॉपर मिलिट्री नहीं, पैरामिलिट्री, वो भी आ जाते हैं। और आपके जो है इसमें पैरामिलिट्री के अलावा पुलिस आ जाती है, इंटेलिजेंस वाले सारे एजेंसीज आ जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हो या टेरर इंटेलिजेंस, उसके सारे एजेंसीज आ जाते हैं, NIA वगैरह भी आ जाएगा, राइट। एंड साथ ही साथ उसके एनालोगस फोर्सेज, एनालोगस में कोई भी आप सेफ्टी सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर से मेंटेन फोर्स आपको दिखे तो समझ जाओ कि उसका फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम एंड प्रॉपर इम्पार्ट ऑफ प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर, क्या यहाँ पे बताया ना, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, राइट। और सुनिए, अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो आपको जो ये मतलब सेंटर जो पार्लियामेंट बनाएगा ना, याद रखिएगा इस पर कानून कौन बनाएगा, राइट एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पार्लियामेंट बनाएगा। क्या ये जो कानून बनाएगा पार्लियामेंट, क्या उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, वो फंडामेंटल राइट का कंट्रावेंशन। देखिए और कारण से जा सकते हैं लेकिन आर्टिकल नंबर 33 में ऐसे ही लिखा हुआ है कि भाई आपके पार्लियामेंट के पास राइट है ये एब्रोगेशन करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो आप कल को सुप्रीम कोर्ट में, मान लीजिए पार्लियामेंट ने राइट्स पूरे छीन लिए आपके आर्म्ड फोर्सेज के, आर्म्ड फोर्सेज के बोला कि उन पे जो है पार्ट 3 मतलब अप्लाई ही नहीं होगा, खत्म कर दिया, तो क्या कोई आर्म्ड फोर्सेज का इंसान या एक कॉमन सिटीजन कि भाई हम तो PIL लेके जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इसके खिलाफ? नॉट अलाउड। आप सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी हाई कोर्ट में ये बोल के नहीं जा सकते कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। आप किसी और कारण से जाओ, ह्यूमन राइट वगैरह जो करना करो, लेकिन आप रिट लेके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है ये बोल के बिल्कुल नहीं जा सकते। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है बोल के नहीं जा सकते क्योंकि आर्टिकल नंबर 33 में ऑलरेडी आपके पार्लियामेंट को पार दी हुई है कि फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर सकता है। तो इस बात को याद रखें, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, इस बात को याद रखें, पार्लियामेंट ही बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है आर्म्ड फोर्सेज, आप देख रहे हैं पहले वाला, मतलब कि 33 के आपके यहाँ पे क्लास ए में क्या है, आर्म्ड फोर्सेज है। तो आर्म्ड फोर्सेज में क्या जिसके पास जो गन होगी वही रहेगा? नहीं, बहुत लोग हैं इसमें। आर्म्ड फोर्सेज में देखिए वहां पे काम करने वाला एम्प्लॉई, जैसे कि मान लीजिए कोई बार्बर भी है ना, तो उसको पता है ना आर्मी अलग से बहाली करती है, कोई कारपेंटर है पता नहीं, इन सब की अलग से रिक्रूटमेंट होती है, ठीक। बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, मैकेनिक हो गया, कुक हो गया, चौकीदार हो गया, ये सब सारे, बूट मेकर, टेलर, ये सारे लोग जो है यहाँ पे नॉन कॉम्बैटेंट रोल में ना लड़ने नहीं जाते, नॉन कॉम्बैटेंट हैं। लेकिन फिर भी अगर इस आर्टिकल की बात करें तो यहाँ आर्म्ड फोर्सेज के अंदर इनको भी रख रहे हैं क्योंकि इनका भी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल जो पार्ट 3 वाला है, हम चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या एब्रोगेट कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इन पे भी अप्लाई होता है और ये जरूरी भी है। आपके जो पता है ना क्या हुआ था, एक बार को क्या हुआ कि
मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई वाज आवर प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। तो ही वाज टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पीएम ऑफ पाकिस्तान। पता नहीं कौन सी दोस्ती हो गई अंबू पान के नाम पे, अंबू पान आप जानते हो ना, नहीं तो नहीं जानते हो तो गूगल कर लेना, कौन सी दोस्ती हो गई कि बातचीत में मोरारजी देसाई ऐसा कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, कहते हैं बातचीत में, कहते हैं मोरारजी देसाई पीएम ऑफ पाक के कि हंसस के, ये जो है पीएम ऑफ पाक इनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि आप तो बड़ा अच्छा अंबू पान करते हैं, आप तो 100 साल जियेंगे, और एक्चुअली ये कम्प्लीट 99 to 100 years। तो बड़ाई में ये भी कहते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं, मैं भी कम तेज नहीं हूँ, मैं तो आपके ना पूरा जो न्यूक्लियर रिसर्च आप कर रहे हो, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो, हमको पता है कहाँ लोकेशन है। जैसे ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होगा उसने ये सुना, उसने फट से इन्फॉर्म किया अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी को और बोला कि आसपास में जितने भी बार्बर के शॉप हैं, जितने भी बार्बर के शॉप हैं, सब जगह पता करो कि कहीं बालों वगैरह में कोई भी न्यूक्लियर ट्रेस है क्या लोगों का, ठीक। और उस न्यूक्लियर ट्रेस के आधार पे उन्होंने पता कर लिया कि यहाँ पे बार्बर की शॉप में कौन कौन आता है इंसान। ही आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ देम, ऐसा कहा जाता है। और उसमें से बहुत से भारत के यार जासूस थे, बहुत से जासूस थे भेदिए थे, और जो वहाँ आते थे जाते थे। एक्चुअली होता क्या है ना कि वो न्यूक्लियर ट्रेस, देखिए क्या होता था कि एक बार्बर की शॉप है, मान लीजिए मेरा ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे हमारे बार्बर की शॉप है। एक्चुअली हमारे जासूस क्या करते थे, थोड़ा उल्टा हो गया, फिर से बता रहा हूँ, हमारे जासूस क्या होते थे, उनको पता था कि बार्बर की शॉप में यहाँ का साइंटिस्ट तो आता ही होगा आसपास में, और न्यूक्लियर का ये है कि वो आपके जो है कहीं ना कहीं एनरिचमेंट के कारण आपके उसके ट्रेसेस आने लगते हैं। तो वो साइंटिस्ट जब बार्बर की शॉप में आते थे तो हमारे जासूस कहीं ना कहीं से वो हेयर उनके कलेक्ट कर लेते थे टूटे फूटे, इससे उनको पता चलता रहता था कि कितना एनरिचमेंट हो गया है, संवर्धन कितना हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो जैसे ही ये पता चलता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को, वो सारे आसपास के बार्बर शॉप में पता करता है कि कौन आ रहा है यहाँ पे अलग से साइंटिस्ट के अलावा। उसमें से बहुत से इंडिया के जासूस निकलते हैं और फिर जो है वो उसके बाद क्या होता है आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बार्बर के शॉप पे उसकी, बार्बर का शॉप वाला बोलता है कि नहीं मेरी तो फ्रीडम है, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगा, मैं तो बाल के सैंपल नहीं दूंगा और मैंने ये भी नहीं बताऊंगा यहाँ पे कौन आता है नहीं आता, तो फिर पाकिस्तान की सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती। तो दिस इज डन बाई एवरी नेशन, आवर नेशन हैज सम लिमिटेशंस, वी हैव टू ऑल्सो डू दैट। एनीवे, तो क्या पार्लियामेंट ने इस पे कोई लॉ बनाया है, जो मैंने यहाँ पे बात की कि लॉ बनाना पड़ता है, तो क्या पार्लियामेंट ने इस पे लॉ बनाया है? यस, पार्लियामेंट ने इस पे लॉ बनाया है भाई। देखिए पार्लियामेंट में कई लॉ बनाए हैं आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट एब्रोगेट करने के लिए, आर्म्ड फोर्सेज के लिए। एक तो है आर्मी एक्ट, ये आया था 1950 में। दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे नेवी एक्ट, ये भी आया था 1950 में। एयरफोर्स एक्ट भी उसके साथ ही आ गया था 1950 में। और भी हैं क्या कुछ? यस, पुलिस फोर्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, पुलिस फोर्स साथ में ब्रैकेट में लगा लीजिएगा रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ये कब आया था 1966। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट बीएसएफ के लिए भी आया, बीएसएफ एक्ट। आपको ये सब याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। इस तरह के कई सारे लॉ हैं और उनके फ्रीडम ऑफ, क्या क्या फ्रीडम ले लेते हैं इसके थ्रू आप जानते हैं, सुनिएगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ले लेते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लेते हैं, राइट, एसोसिएशन का राइट छीन लेते हैं, और उसका ट्रेड यूनियन बनाने का राइट छीन। ट्रेड यूनियन बना लीजिएगा क्या आर्मी में, तो गड़बड़ हो जाएगी। पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकते। राइट टू कम्युनिकेशन विद द प्रेस, प्रेस के साथ आप फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो तो सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी दिक्कत आ जाती है, राइट। राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग आपका आर्मी वाले मीटिंग करिए बट वहाँ पे तो खूब पार्टी होती है, बट पब्लिक मीटिंग नहीं, नॉट अलाउड। साथ ही साथ देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह नहीं कर सकते, ये सारे आपके राइट्स जो है ले लिए जाते हैं। एनीवे, पार्लियामेंट्री लॉ इनएक्टेड अंडर आर्टिकल 33 आल्सो एक्सक्लूड्स द कोर्ट मार्शल। इसके अलावा पार्लियामेंट चाहे तो ऐसा लॉ जो बना रहा है पार्लियामेंट, अगर आर्टिकल 33 के अंदर लॉ बनाए तो पार्लियामेंट्री लॉ इनएक्टेड अंडर आर्टिकल 33 चाहे तो उससे वो कोर्ट मार्शल का जो होता है, कोर्ट मार्शल में मनमर्जी चलती है, आर्मी का कोर्ट होता है, आर्म्ड फोर्सेज का कोर्ट होता है कोर्ट मार्शल, राइट। कोर्ट मार्शल क्या होता है? ट्रिब्यूनल होता है, राइट, क्योंकि वहाँ का अंदर का सिस्टम होता है ये न्याय देने का। तो ट्रिब्यूनल होते हैं जो कि आपके मिलिट्री लॉ से, ट्रिब्यूनल ऑफ मिलिट्री लॉ के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहाँ से जजमेंट दी जाती है, न्याय दिया जाता है। तो अगर चाहे पार्लियामेंट तो लॉ बना के उस कोर्ट मार्शल को या उस ट्रिब्यूनल को कहें कि रिट ज्यूरिसडिक्शन से एक्सक्लूड कर सकता है,
मतलब कि यहाँ का कुछ भी जजमेंट आ गया और मान लीजिए कि वहां से सुना दी गई कोई सजा किसी आर्मी वाले को, तो वहां से वो ये नहीं बोल सकता है कि ये जो है यहाँ पे मैं रिट लगाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा रिट का यूज करके। यहाँ का जो कोर्ट मार्शल के खिलाफ आप रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है आर्टिकल 33 का यूज करके। बिकॉज व्हाई? बिकॉज दिस सीधी देखिए आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 33 रेस्ट्रिक्ट कर सकता है पार्ट 3, पार्ट 3 में ही है तो आपका 32 है, राइट? पार्ट 3 में ही तो 32 है और इसी का एनालॉगस तो हाई कोर्ट का 226 है रिट। तो ये दोनों को आप चाहें तो इस 33 का यूज करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फोर्सेज में काम कर रहे हैं और आपके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल हो गया तो सरकार का कानून ऐसा हो सकता है उस टाइम पे कि जो आपको रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? खुद सोचिए, अगर आप जाइएगा तब तो एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो जाएगा पार्ट 3, वही एनफोर्समेंट तो रोकना है तो 32 और 226 को नलिफाई करना पड़ेगा। वो कहां से होगा? आर्टिकल नंबर 33 का यूज करके। नहीं तो फिर तो आप पहुंच जाओगे तो पार्ट 3 तो चल गया ना, फिर एप्लीकेबल हो गया ना, बट इसको एब्रोगेट करना है तो रोका तो जाता है आपका 32 और 226। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन रोक सकते हैं, बिल्कुल लॉ बना के रोक सकते हैं। इसी के साथ ही आपका आर्टिकल नंबर 33 जो है वो हो गया। नाउ वी विल कम टू आर्टिकल 34 जिसको हम लोग मार्शल लॉ भी बोल देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 34 में। आर्टिकल नंबर 34 वही जो आपको बोला मार्शल लॉ है ना, मार्शल लॉ मतलब होता है मिलिट्री रूल। पहले इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। 34 रेस्ट्रिक्शंस, ये आपका टाइटल है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। ठीक, इस राइट में इस पार्ट की बात, किस पार्ट की बात हो रही है? पार्ट 3 की बात हो रही है, दैट मीन्स की फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, उस पर रेस्ट्रिक्शन की बात हो रही है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लग गया, मान लीजिए कि मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ तो मेरे धनबाद में मार्शल लॉ लग गया, तो वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके फंडामेंटल राइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी, रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। और ये रेस्ट्रिक्शंस लगेगी क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 34 में लिखा हुआ है। दिस इज क्लियर टिल नाउ? वन मिनट, एक सेकेंड। दिस इज क्लियर? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, ओहो ओके, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब आपके पार्ट 3 में जितना भी आपने 13-12 से लेके अभी तक पढ़ा, कहां तक पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा आर्टिकल नंबर 33 तक, 12 से लेके 33 तक कुछ भी लिखा हुआ हो, notwithstanding anything in foregoing provisions of this part, parliament may by law, again कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो मार्शल लॉ पे कोई लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक? पार्लियामेंट बाई मे बाई लॉ इनडेमनीफाई, यहां पे मैं इसकी स्पेलिंग आपको क्लियर कर दूं, INDEMNIFY, इनडेमनीफाई, इसका मतलब होता है किसी को इनोसेंट बता देना, हिंदी में कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, ऐसे नहीं लिखते हैं, निर्दोष ऐसे लिखते हैं ना, नहीं, हाँ निर्दोष, ये मूर्धन्य आएगा, छोड़िए कोई बात नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, तो किसी को इनोसेंट बना सकता है पार्लियामेंट कानून बना के, लेकिन ये इनोसेंट बनाने की बात, मार्शल लॉ भी लगा रहे हैं और किसी को इनोसेंट भी बता रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये उन लोगों को इनोसेंट बनाने की बात है, ये उन लोगों को इंडेमनिटी देने की बात है, ये उन लोगों को इंडेमनीफाई करने की बात है जो लोग इस मार्शल लॉ के दौरान या तो सर्विस ऑफ द यूनियन में काम कर रहे हैं या सर्विस ऑफ द स्टेट की तरफ से काम कर रहे हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं या यूनियन गवर्नमेंट के लोग हैं और उस मार्शल लॉ को वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उस दौरान अगर उनसे कोई काम हो जाता है अपना सर्विस करने के दौरान, किसी को वो मान लीजिए कि थप्पड़ लगा देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, तो उनको निर्दोष करार दिया जा सकता है, ऐसा कानून पार्लियामेंट बना सकती है मार्शल लॉ के लिए। और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जहां पे मार्शल लॉ इनफोर्स है। समझे आप बात को? या तो यूनियन गवर्नमेंट का कोई आदमी, या तो फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का कोई आदमी, या कोई एनी थर्ड पर्सन, देख रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन भी जो कि ना यूनियन गवर्नमेंट में है ना स्टेट गवर्नमेंट में, अगर ये तीनों ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए काम कर रहे हैं उस एरिया में जहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं,
उनसे कोई अपने ड्यूटी के दौरान कहते हैं उन पे आरोप हो जाए कि उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी को फांसी लगा दी, कुछ भी, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना के उस चीज को निर्दोष करार दे सकता है, इंडेमनीफाई कर सकता है। दिस इज कॉल्ड मार्शल लॉ, दिस इज सच ए पावरफुल लॉ, सच ए पावरफुल लॉ। और यहां कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज नॉट आप्सपा। फर्क क्या है, आप्सपा जो है वहां जहां पे होती है वहां पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता रहता है, बट मार्शल लॉ के दौरान सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो पूरा पूरा आपके आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में चला जाता है, या कहें कि पूरी पूरी मिलिट्री रूल लग जाती है। दैट मीन्स कि आप्सपा इज समहाउ पैरेलल पावर, सिविलियन गवर्नमेंट भी चल रही है, फोर्सेज के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, राइट, दोनों चल रही है। लेकिन मार्शल लॉ के दौरान पूरा सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है आर्म फोर्सेज के पास चला जाता है, मिलिट्री रूल लग जाता है, और वहां पे कोई भी इंसान जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है वहां पे उसको कोई भी काम करने पे गवर्नमेंट चाहे तो निर्दोष करार दे सकती है। साथ ही साथ एक तो निर्दोष करार देना हुआ, लेकिन खाली यहां निर्दोष करार देने से तो होगा नहीं एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ लोगों को पनिशमेंट देने की भी बात होगी। तो देखिए, और वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, फॉरफीचर ऑर्डर्ड और अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ। मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे मार्शल लॉ लगा था वहाँ पे कोई जो है मार्शल लॉ के दौरान ऑर्डर पास करता है मिलिट्री रूल में, इस इंसान को दे दिया जाए कैपिटल पनिशमेंट, फांसी, उसको भी यहाँ पे वैलिडेट किया जा सकता है। ठीक है, उसको भी वैलिडेट किया जा सकता है, फॉरफीचर, उसका कुर्की कर लेना, सारी चीज़ें की जा सकती है, कोई भी पनिशमेंट दिया जा सकता है, और उसकी वैलिडेशन भी जो होगी इसी यहां से लॉ बना के होगी अंडर द आर्टिकल नंबर 34। दैट मींस अगर मैं समराइज करूं तो आर्टिकल नंबर 34 में दो चीजें हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो लोग मार्शल लॉ के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट वाले, स्टेट गवर्नमेंट वाले या कोई थर्ड पर्सन, उनको इंडेमनिटी दे दी जा सकती है, इंडेमनिफाई किया जा सकता है अंडर ए लॉ मेड ड्यू टू आर्टिकल 34। दूसरा ये पहलू है कि कोई भी पनिशमेंट को जो कि मार्शल लॉ के दौरान दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको वैलिडेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फांसी, इंक्लूडिंग कैपिटल पनिशमेंट। समझे, ये दो चीजें समरी हो गई। दूसरा, दिस इज नॉट आप्सपा, क्योंकि आप्सपा में क्या होता है, दो तरह की गवर्नमेंट चलती है, दो तरह की बात होती है, एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहता है और इसके कुछ स्पेशल पावर होते हैं, राइट, लेकिन मार्शल लॉ में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज कंप्लीटली टेकन ओवर बाय मिलिट्री। और ये ना आपके जो मिलिट्री के अंदर का जो कानून होता है उससे तुलना मत करिए, ये सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, मिलिट्री द्वारा टेक ओवर कर दे दी जाती है। आर्म फोर्सेस के अंदर जो रूल होता है उसको हम लोग मार्शल लॉ नहीं बोलते, उनका अपना मिलिट्री अलग चलता है सिस्टम, वो अलग बात है, उसको मार्शल लॉ नहीं बोलते, वो तो आर्टिकल नंबर 33 से आता है ना कि वहां पे उनके फंडामेंटल राइट जो हम लोग एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द सिविल पॉपुलेशन, सो मिलिट्री के अंदर जो चलता है उससे तुलना मत करिएगा, यहां पे मिलिट्री चलाती है ये अलग चीज है। इसमें क्या लिखा हुआ, यहां पे जो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कि उनको जो है माफी कर दिया जाएगा, इंडेमनिटी अगर इसका कोई कानून बन गया है तो इस एक्ट को आप जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज याद रखिएगा नहीं कर सकते हैं, ये बोल के कि ये कोई आपका फंडामेंटल राइट जा रहा है इसमें, यू आर नॉट अलाउड। तो 33, 34 में आप दोनों में भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, क्योंकि आपको पहले ही बोल दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन। आपके 12 से 33 में क्या लिखा, हमें कोई मतलब नहीं है, मार्शल लॉ लग गया तो हमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं देखना। ये कहां से आया कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश के अपना जो कॉमन लॉ होता है ना, ब्रिटिश का पुराने टाइम का, ब्रिटिश कॉमन लॉ से बोरो किया गया, ये भी याद रखिएगा। मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश कॉमन लॉ से बोरो किया गया, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है। सब कुछ यहाँ पे मिलिट्री के ट्रिब्यूनल से होता है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन सस्पेंड हो जाती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए आप यहाँ पे कि आपने यहाँ पे टर्म तो सुना मार्शल लॉ, लेकिन इसको डिफाइन किया गया क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, नो। इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये बताया गया क्या, इंप्लीमेंटेशन भी नहीं बताया गया कैसे करना है, बस बता दिया गया कि मार्शल लॉ चलेगा तो ये होगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 34 में ये इम्प्लिसिट है कि किसी भी एरिया में, इंडिया में जहाँ पे अशांति है वहाँ पे आप आर्टिकल नंबर 34 लगा सकते हैं, दैट मीन्स कि मार्शल लॉ लगा सकते हैं, राइट। और मार्शल लॉ लगाने के बाद वहाँ पे किसी भी टेरिटरी में आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि वार वगैरह में कोई इन्वेजन हो रहा है, आर्म्ड रिवेलियन हो गया वहाँ पे लगा दीजिए, आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगा दीजिए, है ना, कोई अटैक हो गया ऐसा, रायट हो गए, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो गई तो आप लगा सकते हैं आर्टिकल नंबर 34 का यूज़ करके, क्या लगा सकते हैं, मार्शल लॉ। अदरवाइज कोई प्रोविजन ऐसे से मेंशनड नहीं है कि कैसे कैसे लगाना है, बट कर सकते हैं फाइनली आपको पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, एक बात कि
ये जो आपके जो रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, हैवे बॉडी 24 घंटा वाला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप मार्शल ला कर मियर एक डिक्लेरेशन कर दें कि मार्शल ला लग गया आज से, तो सिंपली आपका मतलब इप्सो फैक्टो कि जस्ट बिकॉज मार्शल ला डिक्लेयर हो गया आपका हैबियस कॉर्पस जो है वो खत्म नहीं हो जाता, आपके पास फिर भी बना रहता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब लॉ में ये मेंशन कर सकते हैं कि अलग से कि नहीं होगा, बट बस उसको डिक्लेयर कर दिया कि आज से मार्शल ला है तो हैबियस कॉर्पस सीधा नहीं चला जाता, आप कानून बना के कर सकते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत में दिया है तो मैं भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ छूटे ना। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में क्या फ़र्क है? देखिए, मार्शल लॉ में तो आपके क्या जाते हैं, बस फंडामेंटल राइट चले जाते हैं, ठीक, या कम हो जाते हैं, एब्रोगेट हो जाते हैं, जो भी है बोलते हैं ना कि आर्टिकल नंबर 12 से 33 कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। नेशनल इमरजेंसी में देखिए आपके कई सारे फंडामेंटल राइट तो अफेक्ट होते ही हैं, साथ ही साथ एक सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का, वो अफेक्ट हो जाता है, सेंटर स्टेट का रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिवेन्यू वगैरह का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है सेंटर और स्टेट के बीच में, ऐसे कई सारे चीज़ें होती हैं। पार्लियामेंट का नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट का टेन्योर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, इनफैक्ट अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। दूसरी बात कि मार्शल लॉ में क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं, और जो आपकी जो वहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट है वो सस्पेंड हो जाती है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं, क्या आते हैं ऑर्डिनरी कोर्ट सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, मिलिट्री के ट्रिब्यूनल्स आ जाते हैं। लेकिन क्या नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कुछ होता है क्या, मिलिट्री के ट्रिब्यूनल आ जाते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल गवर्नमेंट रहती है, नॉर्मल कोर्ट रहता है नेशनल इमरजेंसी में। देन थर्ड ये है कि जो आपका मार्शल लॉ है वो किसी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आ गया तो उसके लिए किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है नेशनल इमरजेंसी? ये इम्पोज किया जाता है तीन ग्राउंड पे स्पेसिफाइड है, आर्म्ड रिबेलियन पे होता है, पहले पीस डिस्टरबेंस वाले पे भी हो जाता था, वो बाद में चेंज कर दिया 44th में, तो वार के कारण हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण हो सकता है, इसके एकदम डिफाइंड है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन के कारण हो सकता है। इंटरनल डिस्टरबेंस वाला हटा दिया ना, आर्म्ड रिबेलियन, तो तीन कारण है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, वार लड़ाई हो जाए पाकिस्तान से, एक्सटर्नल एग्रेशन पाकिस्तान धमकी दे रहा बहुत ज़्यादा तैयारी करके बैठा, आर्म्ड रिबेलियन मान लीजिए नक्सल ने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया पूरे कंट्री में एक साथ, तो ये तीन कंडीशन है फिक्स है। और मार्शल लॉ जो है नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस के लिए बहुत खराब हालत हो तो किया जा सकता है, इसमें कोई आर्म्ड रिबेलियन बाहर से जो है एक्सटर्नल एग्रेशन वार की बात की नहीं है। दूसरी बात कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में मार्शल लॉ के लिए कोई प्रोविजन है क्या, करना है कैसे करना है, प्रोविजन नहीं है, डिफाइंड भी नहीं है, लेकिन इसके लिए तो नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है भाई, सारे आर्टिकल हैं आपके, अलग से चैप्टर है, मैंने आपको बताया शायद 13th चैप्टर है, तो स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्सप्लिसिट है एकदम, ये आपके फ़र्क हो गए। अब ये आर्टिकल बड़ा सा एक ईजी सा आर्टिकल है लास्ट में, ये आर्टिकल नंबर 35 है फंडामेंटल राइट में, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जब बेयर एक्ट से सब सारी चीज़ें करा ही रहा हूँ तो ये भी करा दे रहा हूँ आपको आर्टिकल नंबर 35। इसमें क्या आर्टिकल नंबर 35 ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसे पावर हैं कि कुछ लॉज को वो बना सकती है फंडामेंटल राइट्स के लिए फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल राइट्स हैं जिन पे अगर लॉ बनाने की बात होगी तो बस पार्लियामेंट बना सकता है। अभी तो दो तो मैंने ही आपको अभी बताया तुरंत, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बता सकता है, बना सकता है। इससे क्या होता है, इसके पूरे कंट्री में कुछ ऐसे लॉज हैं जिनकी यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। मार्शल लॉ पे बता दोगे आप, बताओ 34 का यूज़ करें, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा क्या? नहीं ना। दूसरा जो आपके आर्म्ड फोर्सेज पे रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले की बात थी, वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा? नहीं ना। तो कुछ लॉज के लिए क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी की जरूरत होती है, इसीलिए पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होती। तो इसी में आर्टिकल नंबर 35 में प्रोविजन दिए हुए हैं, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट नॉट इट इज स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ, कुछ पार्टिकुलर ऐसे एरिया जहां पे पार्लियामेंट ही लॉज बना सकता है इस पार्ट के लिए। क्लॉज वन ए देखिए, पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव, मतलब ऐसे एक्सक्लूसिव पावर कुछ जो पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है लॉज बनाने के, वो कौन से हैं? विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 63। ओके, पहला नोट कर लेते हैं, आर्टिकल 16 का क्या बोल रहे हैं, क्लॉज 3। ओके, दूसरा क्या है, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 का क्लॉज कौन सा है, 3। तीसरा क्या, आर्टिकल 33, ये तो अभी पढ़ाया। चौथा क्या, आर्टिकल 34, ओके, प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब इस चारों पे बस पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। तो यहां पे देखिए कि आर्टिकल 16 के थर्ड में क्या है, प्रेस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन,
रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। मैंने आपको ये पढ़ा ही दिया रिजर्वेशन में कि रिजर्वेशन में कोई स्टेट अपनी मर्जी से ये नहीं बोल सकता कि यहाँ के जो डोमिसाइल रहेंगे रेसिडेंट रहेंगे वही जॉब कर सकते हैं। इसीलिए आप उत्तर प्रदेश बिहार हर जगह के अगर एग्जाम दे सकते हैं। देखो एलिजिबिलिटी रहेगी कि आपको लैंग्वेज पेपर पास करना है, तमिलनाडु जाओगे तो आपको तमिल पास करना पड़ेगा, बट आप बैठ सकते हो एग्जाम में, है ना। तो दिस इज प्रोवाइडेड बाई वॉट, दिस इज प्रोवाइडेड बाई आर्टिकल नंबर 16 कि स्टेट इस पे लॉ नहीं बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट ने मान लिया कि हाँ ठीक है तो कर सकता है, बहुत पहले किया अभी तक किसी स्टेट के लिए। चाहिए मतलब पार्लियामेंट कल को मोदी गवर्नमेंट पास कर दे पार्लियामेंट से कि बिहार में बिहार के बाहर के लोग बीपीएससी एग्जाम में नहीं बैठ सकते तो हो सकता है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती। तो ये समझ गया ये क्या है, प्रेस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी भी। ये सारा काम कौन कर सकता है, इस पर कानून कौन बना सकता है, किसी स्टेट या लोकल अथॉरिटी के लिए कौन बना सकता है, आपका पार्लियामेंट ही बना सकता है। ये 16(3) में ही लिखा हुआ। व्हाट अबाउट 32(3) में क्या है, 32(3) में क्या है आपको बताया ना, आपको जब पहले मैंने पढ़ाया था 32 तो वहां में मैं आपको रिट पढ़ाया था। 32 रिट है यार, जस्ट लाइक 226 आपका हाईकोर्ट का है। लेकिन आपका 32 में ये लिखा हुआ है 32(3) में कि कोई भी कोर्ट अदर देन एन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट चाहे तो वो भी ऑर्डर और रिट या ऑर्डर इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन अगर किसी कोर्ट को ऐसा एम्पावर करना है तो उसकी पार्लियामेंट के पास पावर है। कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। रिट ज्यूरिसडिक्शन अभी किसके किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और लोअर कोर्ट के पास नहीं है और किसी कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट की मर्जी है तो वो कानून बना के ये रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोर्ट को भी वो पावर दे सकता है। लेकिन पार्लियामेंट ने आज तक ऐसा किया है क्या, नहीं किया। स्टेट लेजिस्लेचर क्या रिट की पावर दे सकता है लोअर जुडिशियरी वगैरह या किसी को, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। बस ये काम अगर कोई करेगा तो पार्लियामेंट करेगा, जो कि आज तक पार्लियामेंट ने नहीं किया। तो ये दोनों तो समझ गए। और 33-34 अभी अभी आपको पढ़ाया है कि 33 में क्या है, आपके जो आर्म्ड फोर्सेस की बात है, पुलिस की बात है, उनके फंडामेंटल राइट एब्रोगेट करना, रेस्ट्रिक्ट करना। 34 में क्या है, मार्शल लॉ की बात है, इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, यह है ना, या फिर वैलिडेटिंग एनी एक्ट डन बाय हिम। तो इस पे कोई कानून बनाएगा तो आपका पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। इस बात को समझ गया। अब चलिए इसके आगे क्या लिखा हुआ, ये तो आप समझ गए सारे, 16(3) भी समझ गए, 32 भी समझ गए, 33 भी समझ गए। आइए 32 में ये लिखा था, हाँ, सेकेंड फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट एंड पार्लियामेंट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक क्लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट रेफर्ड इन सब क्लॉज 2। ये तो दूसरी बात है, मेन ये है कि आपके फंडामेंटल राइट में जैसे अनटचेबिलिटी है, उसके लिए कोई मान लीजिए कि पनिशमेंट करानी है, कोई पनिशमेंट का प्रोविजन रखना है, तो क्या स्टेट बना सकता है पनिशमेंट का प्रोविजन कि अनटचेबिलिटी का कोई कानून तोड़े या अनटचेबिलिटी कोई करे तो उसका कितना पनिशमेंट होगा? नहीं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई पनिशमेंट है, ठीक, कोई ऑफेंस है, बोलिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका पनिशमेंट कितना होगा नहीं होगा, इस पे बस पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। इस पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून नहीं बना सकता। और ये भी बोला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इनैक्ट होगा, फट से यहाँ पे क्लॉज 2 में जो हम बात कर रहे हैं पनिशमेंट की किसी ऑफेंस के लिए, फट से जो है कानून बना दीजिएगा। कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट शैल हैव एंड द स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज। जो भी एक्ट फंडामेंटल राइट में ऑफेंसेज बताए गए हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, उसके खिलाफ अगर कोई पनिशमेंट का प्रोविजन लाना है तो बस और बस पार्लियामेंट उस पर कानून बना के बता सकता है कि कितना पनिशमेंट होगा। स्टेट लेजिस्लेचर को ये औकात नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो बाद में डिस्कस कर दूंगा। तो कौन कौन से ऑफेंसेज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो अनटचेबिलिटी वाला भी है, आर्टिकल नंबर 17 में लिखा हुआ, ठीक। उसके अलावा क्या है? ट्रैफिकिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि अनटचेबिलिटी ऑफेंस है, ट्रैफिकिंग ऑफेंस है, लेकिन उसका पनिशमेंट क्या होगा ये नहीं बोला है। तो अनटचेबिलिटी तो आपके आर्टिकल नंबर 17 में है, ट्रैफिकिंग कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 23 में। तो इसके पनिशमेंट क्या होंगे ये नहीं बोला है। तो पनिशमेंट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा, ठीक। ये हो गए सारे। यहाँ पे ध्यान देना ये वर्ड पे भी है कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है साथ में,
पार्लियामेंट शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो अनटचेबिलिटी की बात हुई आर्टिकल नंबर 17 में और जो आपके ट्रैफिकिंग की बात हुई आर्टिकल नंबर 23 पे, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है पार्लियामेंट को कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आए फट से उसके बाद आप इन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट क्या होगा नहीं होगा फट से बना देना, ये मैंडेटरी है। इसलिए ये सारे कानून काफ़ी पहले ही बन गए थे और पनिशमेंट का प्रोविजन डाल दिया गया था। ये हो गया आपका प्रोविजन, मतलब ए क्लॉज हो गया 35 का। बी में क्या लिखा हुआ, एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 1950, उसके पहले मान लीजिए कि कोई भी लॉ ऐसा था, एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इन सब क्लॉज वन ऑफ क्लॉज ए। ये जो आपका आपका सब क्लॉज वन है क्लॉज ए का, मतलब कि आर्टिकल नंबर 16, 32, 33, 34, इससे रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल रहे हैं कि 1950 के पहले, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले अगर कोई भी ऐसा लॉ हमारे कंट्री में था जो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी जो कि रिलेटेड था 16, 32, 33 और 34 से और प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट, या सेकेंड वाले से रिलेटेड था, पनिशमेंट था ठीक, सब्जेक्ट टू द टर्म्स देयर एंड एनी अडॉप्शन एंड मॉडिफिकेशन दैट मे बी मेड देयर इन आर्टिकल 372, मत ध्यान दीजिए, कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अल्टर्ड और रिपील्ड और अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। समझ गए इस बात को, नहीं समझे, बोल रहे हैं कि हमारा जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मोमेंट था, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोमेंट था, मान लीजिए ये मेरे हिसाब से 1950 था, इसके पहले अंग्रेज के टाइम पे, आजादी के बाद से 1940 से लेके 1950 का जो पीरियड हुआ जो भी था उसके टाइम पे, मान लीजिए कि आपके अनटचेबिलिटी के लिए कोई, मान लीजिए ये पनिशमेंट था है ना, ऑफेंस के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए कोई पनिशमेंट था, या मान लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई कानून था आर्टिकल नंबर 16 से रिलेटेड रेसिडेंस वाला, या मान लीजिए 32 से रिलेटेड कोई कानून था इनके इस रिट से रिलेटेड कि कहीं को, मान लीजिए कि किसी कोर्ट को दिया हुआ था कि ऐसा राइट कि आप बना सकते हो रिट, ऐसा था नहीं, या 33, 34 से रिलेटेड अगर कोई कानून था इन चार आर्टिकल से, या फिर कोई पनिशमेंट का प्रोविजन था कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो जस्ट बिकॉज कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो ऑटोमेटिकली ये कानून खत्म नहीं हो जाएंगे जब तक पार्लियामेंट उसको या तो रिपील ना कर दे या फिर पार्लियामेंट उसको अमेंड ना कर दे, राइट जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो पुराने कानून जो हैं चलते रहेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अल्टर्ड रिपील्ड और अमेंडेड, जब तक उसको अल्टर मतलब चेंज ना कर दे, रिपील ना कर दे मतलब खत्म ना कर दे या अमेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक ये ना करें तब तक कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के ऐसे कानून जो आर्टिकल नंबर 16, 32, 33, 34 से रिलेट करते हैं या फिर किसी ऐसे पनिशमेंट का प्रोविजन है जो कि आपके अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है या ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, तो वो कानून बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने के कारण खत्म नहीं होंगे, मैनुअली उनको अल्टर करना पड़ेगा, रिपील करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 फिनिश होता है, आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा कि कुछ राइट्स आपके फंडामेंटल राइट के चैप्टर के बाहर हैं, मैं कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए मेंस में उपयोगी हो सकती है, तो एक और 20-25 मिनट का वीडियो आएगा, इसके साथ ही फंडामेंटल राइट की जो है समाप्ति हो जाएगी। और यूपीएससी में मेंस में प्री में आपको कहीं भी फंडामेंटल राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, काफी सॉर्टेड है, और आपको लक्ष्मीकांत भी अब 10 बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपको लक्ष्मीकांत टच नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ कवर किया, चिंता मत करिए, ज्यादा कवर किया, सब कुछ कवर किया लाइन बाय लाइन।